फ्रेंड्स लाइफ ऑफ संशिल्पी में स्वागत है। मौसी चाय बना के लाई हैं। मौसी हेलो करो। हेलो हेलो करो। मौसी बना के लाई हैं बढ़िया सी चाय, ये पियेंगे, थोड़ी देर और काम करेंगे और चले जाएंगे। ये भी बढ़िया, हमारी बढ़िया चाय, और ये हमेशा मौसी बनाती है, इनके अलावा हम किसी की चाय नहीं पीते। अंजलि मौसी बनाती है, कोई और बनाता है तो हम बना कर देते। रात का टाइम है और हम लोग बनाने जा रहे हैं मिक्स वेजिटेबल पुलाव। इसमें हमने कॉलीफ्लावर, स्प्रिंग अनियन, पोटैटो, ये है अनियन और गार्लिक, टोमेटो, इस सबको कर लिया है और अभी बनेगा हमारा पुलाव। ये हमारे नेबर्स हमको खाने के लिए देके गए हैं गरम गरम लिट्टी चोखा, हम वो भी खाएंगे, मिक्स वेजिटेबल पुलाव भी खाएंगे। हम करते हैं अपना डिनर, आप लोग भी इंजॉय करिए। ये है पुलाव जिसमें बहुत सारी वेजिटेबल्स, हमारा लिट्टी चोखा और दही। अब करेंगे इसको इंजॉय। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज है 25 दिसंबर और आज का हमारा प्लान है, घर पर पार्टी वगैरह तो कल होगी, आज का प्लान है गाजर का हलवा बनाना, तो उसी की प्रिपरेशन चल रही है सुबह से। आज वो बनाते हैं और आपसे रेसिपी शेयर करते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले मैंने स्टार्ट किया खोया बनाना। गाजर के हलवे के लिए ये गाजर कद्दूकस कर लिए और इधर बन रहा है मावा खोया, और आज की रेसिपी आपके साथ शेयर करेंगे गाजर के हलवे की। देखिए, आधा घंटा हो गया और ये अभी इतना ही हुआ है, बहुत टाइम लगता है इस सबको बनाने में। स्टेप क्लियर हो गया है, मैंने बना लिया है मावा और अब इसी कढ़ाई में मैं डालूंगी दूध और गाजर, फिर इनको पकाऊंगी। उसके बाद इसमें ड्राई फ्रूट्स डालूंगी, ये मावा डालूंगी, शुगर डालूंगी और गाजर का हलवा रेडी हो जाए। फ्रेंड्स, इस स्टेप में मैं अब इसमें कर दूंगी दूध ऐड। इसमें आपको क्या करना है, इस दूध को थोड़ा सा बॉयल करना है। बॉयल करने के बाद इसमें डालनी है। अब फ्रेंड्स, मैं इसमें थोड़ी थोड़ी करके, गैस थोड़ी गंदी हो गई है, कोई बात नहीं, इतना सुबह से इसमें पक रहा है, इसमें थोड़ा थोड़ा करके मैं ये सारा इसमें 1 लीटर दूध डाला था और ये इस तरह का बन गया था। अब इसको हमें लगभग 1 घंटा पकाना होता है धीमी आग पर। यहाँ तक है इतना, मतलब उबाल आ रहा है इसमें, अभी तो बहुत टाइम लगने वाला है। फुदुक फुदुक फुदुक। इसके बबाद मैंने दूसरे पैन में 2 बड़े चम्मच देसी घी लिया। उस देसी घी में मैंने ऐड किए ड्राई फ्रूट्स। इधर मेरा ये तैयार हो रहा था, दूसरे चूल्हे पे मैंने घी लिया, इसको थोड़ा गर्म किया और उसके बाद मैंने इसमें ऐड किए ड्राई फ्रूट्स और लगभग ये ड्राई सा हो गया था। इसके बाद ये प्रोसीजर होता है थोड़ा सा, जब भी हल्का हल्का गीला रहे तो हम घी डाल सकते हैं। और इसमें मैंने ये जो ड्राई फ्रूट्स थे इसको थोड़ा सा रोस्ट किया था घी में, जैसे तड़का लगता है ना दाल में, तड़के की तरह ही इसको वो किया था फ्राई सा। और वैसे ही इससे क्या होता है, एक अच्छा सा टेस्ट आता है, बहुत ही अच्छा सा। अलग से हम घी डाल के फाइनली जब हलवे को भूनते हैं ना तो बहुत ही यम्मी सा टेस्ट आता है। फ्रेंड्स, ये मेरा तड़का ऑफ हलवा रेडी है और इसको मैंने डाल दिया इसमें, कितना मतलब एकदम छोंक वाला फील आ रहा था, ये इसमें डाल दिया। अब हम इसे डाल के इसको भूनेंगे तो बहुत ही एकदम घी की खुशबू अलग लगी। मैं जो सुबह मावा बना रही थी उसके बाद मैंने किया मावे को ऐड और इसको दोबारा भूनने रख दिया। और आपका फ़ोन का कैमरा इतना अच्छा है ना, इसमें मैंने जो मावा बनाया था सुबह, खोया जिसे बोलते हैं, उसको ऐड किया और उसको भून दिया। फाइनली ये हमारा हलवा रेडी है, आप लोग भी आओ, अभी इसमें उबाल लगेगा। ये मैं मावा दोबारा से डाल रही हूँ जो थोड़ा कम लगा था, और इसको और डाल दिया। और ये अब इसमें मैंने शुगर सबसे एंड में डालनी चाहिए, चीनी, जिससे कि जो पक जाती है गाजर, शुगर डालने के बाद वो पकना बंद हो जाती है। आइए सब लोग खाइए, हैप्पी मैरी क्रिसमस।